केदारनाथ यात्रा के दौरान बस गिरी खाई में, उसके बाद जो हुआ देखकर आपका दिल दहल जाएगा। कहते हैं बाबा केदारनाथ से लगाई हुई हर अरदास जरूर पूर्ण होती है। बाबा केदारनाथ परमपिता परमेश्वर भी हैं, यानी उनका सहयोग एक पिता की तरह होता है और एक पिता अपने बच्चों को हमेशा एक सही राह दिखाता है, अपने भक्तों को एक सही मार्गदर्शन देते हैं। बस कोई उनके दिखाए रास्ते को समझ कर अपने जीवन को सुधार लेता है तो कोई बिना समझे उनसे उदास नाराज होकर बैठ जाता है। आज की घटना महादेव के एक ऐसे भक्त की है जिसने महादेव के दिखाए रास्तों को समझा और अपने जीवन को बचा पाया। तो चलिए आज की घटना की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की घटना है झारखंड के टाटा शहर में रहने वाले एक व्यक्ति प्रमोद की। प्रमोद अपनी बीवी और अपनी एक 10 साल की बेटी के साथ रहता था और वहीं पास की एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम करता था। प्रमोद स्वभाव से तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, उसका काम भी एकदम सटीक होता था। उसके ऑफिस वाले सभी लोग उसके कामों की खूब तारीफ किया करते थे, कई अवार्ड भी उसे मिल चुके थे। एक साधारण और मेहनती लड़का था। प्रमोद के जीवन में केवल एक ही समस्या थी, वह थी उसकी पत्नी आरती। प्रमोद आरती को कुछ खास पसंद नहीं करता था और इसके पीछे कई कारण थे, लेकिन एक मुख्य कारण यह था कि उसने अपने माता पिता के दबाव में आकर आरती से जबरदस्ती शादी की थी। दरअसल प्रमोद किसी और को पसंद करता था, लेकिन किसी कारणवश प्रमोद के माता पिता उस शादी से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती प्रमोद की शादी आरती से करवा दी और फिर उसके बाद प्रमोद का जीवन बस चल ही रहा था। कई कई दिनों तक तो वो आरती से बात तक नहीं करता था। प्रमोद के जीवन में केवल उसकी बेटी ही थी जिसे देखकर वो खुश था। आरती का स्वभाव कुछ ऐसा था कि प्रमोद के आने न आने से आरती को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह तो बस अपने ही जीवन में मस्त रहती थी। ना ही आरती अपनी बेटी का ख्याल ठीक से रख पाती थी और न ही प्रमोद का। धीरे धीरे उन दोनों में काफी दूरियां आने लगी थी और यह दूरियां इतनी ज्यादा थी कि इनका भर पाना नामुमकिन था। वैसे ही प्रमोद घुट घुट कर अपना जीवन जी रहा था। उस पर एक दिन तो हद ही हो गई। आरती ने प्रमोद को उसकी सहेली के घर से कुछ सामान लाने को कहा था। उस दिन प्रमोद काफी परेशान था और काफी थका हुआ था, तो वह जल्दी जल्दी से घर वापस आ गया। जब आरती ने उससे पूछा तो प्रमोद ने अपनी हालत उससे बताई। उस पर आरती खींच गई और प्रमोद को अपशब्द कहने लगी। उसने कहा कि तुम तो वैसे भी किसी काम के नहीं हो, तुम मर जाते तो ही अच्छा होता। यह बात सुनकर प्रमोद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे आरती की बात बहुत बुरी लगी, वैसे वह बहुत परेशान था। वह रात भर ठीक से सो नहीं पाया। आधी रात करीबन 2 बजे जब वह परेशान होकर बेचैन होने लगा, तब वह अपने घर से निकल कर अपने छत पर चला गया। वह इतना परेशान हो चुका था कि उसे अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे और वह छत से कूद गया। थोड़ी देर बाद वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने देखा तो वह तुरंत भागकर प्रमोद के पास गया और उसे उठाकर अस्पताल ले गया। प्रमोद की जान बच गई, लेकिन उसका जीवन अब खत्म सा नजर आ रहा था। प्रमोद ठीक होकर वह वापस अपने घर नहीं आना चाहता था। जिस व्यक्ति ने उसकी जान बचाई उसने बड़े ही प्यार से उसकी समस्या पूछी। प्रमोद भी उसे सब कुछ बताने लगा और कहने लगा कि वह घर वापस नहीं जाएगा। उस सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि भैया, मैंने आपकी जान नहीं बचाई, या तो मेरे महादेव ने मुझसे आपकी मदद करने को कहा तो मैंने कर दी। यदि आप घर नहीं जाना चाहते तो आप बेशक मत जाइए, लेकिन मेरी सलाह मानिए और आप केदारनाथ धाम के लिए निकल जाइए। वहां जाकर आपकी हर एक समस्या का निदान हो जाएगा। महादेव पर भरोसा रखें और केदारनाथ चले जाएं। एक तरफ प्रमोद अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था तो दूसरी तरफ आरती को कोई खबर ही नहीं थी और न ही उसने यह जानने की कोशिश की कि आखिर उसका पति कहाँ है। अस्पताल से ठीक होकर प्रमोद सबसे पहले अपने घर गया और अपना सामान बांधने लगा। उसने अपनी बेटी से मुलाकात की और फिर थोड़ी देर में वहां से केदारनाथ के लिए निकल पड़ा। प्रमोद बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करता था और न ही उसे भगवान और उनके चमत्कारों पर कोई भरोसा था, लेकिन जिस भरोसे के साथ सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बाबा केदारनाथ के बारे में बताया था, वह केदारनाथ जाने के लिए बहुत उत्सुक था। सिक्योरिटी गार्ड ने प्रमोद को बताया था कि केदारनाथ जाने वाले हर एक भक्त के साथ स्वयं महादेव रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि घर से ही निकलने से लेकर घर पहुंचने तक महादेव अपने भक्तों के साथ हमेशा हर परिस्थिति में रहते हैं। प्रमोद बाबा केदारनाथ के बारे में जितनी बातें जानता उतना उसके अंदर बाबा केदारनाथ के लिए आस्था, भक्ति और भावना प्रबल होने लगती। प्रमोद बहुत खुश था, उसके जीवन में पहली बार ऐसी खुशी थी जिसे वह खुद महसूस कर रहा था। केदारनाथ जाने के लिए प्रमोद बस में बैठ गया और आप तो जानते ही हैं कि केदारनाथ जाने वाली बस के साथ आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती ही रहती हैं और इसका कारण यह है कि वहाँ की सड़कें, वहाँ का वातावरण कई बार बस यात्रा के लिए सही नहीं होता। लेकिन आपने कुछ घटनाएं ऐसी भी सुनी होंगी कि दुर्घटनाओं में महादेव अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। प्रमोद भी बस में बैठ चुका था और अब कुछ घंटे में वह केदारनाथ पहुँच जाता। प्रमोद जिस बस में बैठा था वह बस केदारनाथ जाने वाली आखिरी बस थी और इसलिए उस बस में सभी लोग जबरदस्ती चढ़ने लगे और बस पूरे बाबा केदारनाथ के श्रद्धालुओं से भर चुकी थी। कोई बस के छत पर जा बैठा तो कोई बस की सीढ़ियों पर बैठकर जाने लगा। इतने सारे भक्त बस में होने के कारण वह ठीक तरह से चल नहीं पा रही थी और कुछ दूर जाकर ही बस दबाव पड़ने के कारण खाई में गिर गई। श्रद्धालुओं से भरी बस जब खाई में गिरी तो बस के टुकड़े टुकड़े हो गए। सभी लोग बाबा केदारनाथ का नाम जपने लगे और उनको मदद के लिए पुकारने लगे। खाई में गिरने के कारण किसी के हाथ में चोट आई तो किसी के पैर में, लेकिन आश्चर्य वाली बात यह थी कि इतनी ऊंचाई से बस गिरने के बाद भी किसी की जान नहीं गई। सभी भक्त सही सलामत बच गए। हाँ, थोड़ी बहुत खरोच आई लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। सभी लोग खाई में गिरने के बाद तेज तेज चिल्लाने लगे। तब
वहाँ प्रमोद ने सभी को समझाने की कोशिश की कि ऐसे चिल्लाने से या घबराने से कोई रास्ता नहीं निकलेगा, हमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है। इसी बीच मौसम भी बिगड़ने लगा और तेज घनघोर वर्षा शुरू हो गई। अब तो सभी भक्त सभी श्रद्धालु और घबरा गए। तभी तीन चार व्यक्ति वहीं से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ लोग खाई में गिर गए हैं, तो उन्होंने उनकी मदद करने की सोची। उनमें से एक व्यक्ति खाई में नीचे की तरफ चला गया और बाकी के तीन ऊपर से उन्हें बाहर निकालने की तरकीब ढूंढने लगे। एक व्यक्ति दौड़ कर न जाने कहां से सीढ़ी लेकर आया, लेकिन खाई इतनी गहराई पर थी कि वह सीढ़ी भी छोटी पड़ गई। अब तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार से सबकी मदद की जाए। जो व्यक्ति नीचे गया था उसने प्रमोद से कहा कि तुम्हारे बैग में एक बड़ी रस्सी है, उसे निकालो, शायद उसके जरिए हम ऊपर की तरफ जा सके। प्रमोद ने उस व्यक्ति की बात मानी और तुरंत अपने बैग से मोटी रस्सी निकाली। प्रमोद की आदत थी कि वह कहीं भी जाता था तो उन सभी सामानों को अपने साथ ही लेकर जाता था। संभवतः उसी रस्सी से काम हो गया और धीरे धीरे सभी लोग रस्सी के सहारे ऊपर की तरफ आने लगे। आखिर में प्रमोद और वह व्यक्ति बचा। उसने कहा कि प्रमोद तुम जाओ, मैं आता हूँ। प्रमोद नहीं माना, उसने कहा कि मैं आखिर में चलूंगा, आप ऊपर चलिए। वह व्यक्ति मुस्कुराया और उसने कहा तुम्हारी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, तुम मुझे मेरी जिम्मेदारी से वंचित मत करो, तुम पहले चलो, मैं तुम्हारे बाद में आता हूँ। ये सुनकर प्रमोद ऊपर की तरफ चला गया। जब ऊपर पहुंचा तो उसने उस व्यक्ति को आवाज लगाई तो प्रमोद ने देखा कि नीचे कोई नहीं था। उसने उन तीनों व्यक्ति से पूछा जो ऊपर से सबकी मदद कर रहे थे और उनके साथ जो व्यक्ति आए थे वह सब कहां गए और आपके साथ जो व्यक्ति आया था वह कहां गया। उन्होंने कहा कि हमारे साथ तो कोई नहीं था, केवल हम तीन ही दोस्त यहां से गुजर रहे थे। हमने देखा कि महादेव के श्रद्धालु खाई में गिरे हुए हैं तो हम रुककर आप सभी की मदद करने आ गए। प्रमोद को इस बात पर भरोसा ही नहीं हुआ कि अभी तो उसने उस व्यक्ति से मुलाकात की थी, बातें की, आखिर यह कैसे संभव था कि किसी ने उसे देखा ही नहीं। उसने सबसे पहले पूछा लेकिन किसी ने भी उस व्यक्ति को नहीं देखा था, केवल प्रमोद ने ही उस व्यक्ति से मुलाकात की थी। धीरे धीरे प्रमोद को समझ आ गया था कि शायद सिक्योरिटी गार्ड महादेव से जुड़े रहस्य के बारे में सही बता रहे थे। उनमें से एक रहस्य, एक चमत्कार तो आज उनके साथ भी हुआ और शायद उसने महादेव के दर्शन भी कर लिए। प्रमोद बहुत खुश हुआ और एक अलग ही आनंद और उत्साह के साथ महादेव के मंदिर जाने के लिए चलने लगा। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।